वहीं सिवनी मॉब लिंचिंग मामले में कांग्रेस नेता अपने पीड़ित परिवारों से के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, सांसद नकुलनाथ और साथ ही पूर्व मंत्री तरुण भनोट और विधायक विनय सक्सेना सिवनी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता मौके पर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानेंगे। बता दें कि सिवनी के कुरई थाना के सिमरिया गांव में गोक्षी के आरोप में 3 ग्रामीणों को आरोपियों ने बुरी तरह से पीटा था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक रंग देते हुए आरोप लगाए हैं। साथ ही बरघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने घटना के विरोध में हाईवे जाम कर दिया था। कांग्रेस ने मामले की छानबीन के लिए 3 विधायकों की समिति गठित की है। तो वही बात कर लेते हैं हरदा की। हरदा पहुंचेंगे कृषि मंत्री कमल पटेल ने लांस नायक स्वर्गीय जय सिंह के पार्थिव शरीर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और देश की सेवा कर रहे वीर जवान की पार्थिव देह को सम्मान उनके परिजनों के साथ अधिकारियों की मौजूदगी में पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया। तो वहीं बता दें कि रविवार को रात उत्तराखंड के पिथौरागढ़ निवासी लांस नायक जय सिंह का झेलम एक्सप्रेस में सफर के दौरान हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। लांस नायक स्वर्गीय जय सिंह पुणे में पदस्थ थे। ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के भितरवार अनुभाग में ग्राम